हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम वेबसाइट को ब्लॉक करना सीखेंगे। हो सकता है कि आपके घर में बच्चे हों, या हो सकता है आप कोई स्कूल चलाते हों, उसमें कंप्यूटर क्लास चलाते हों और स्कूल के स्टूडेंट, या हो सकता है आपके बच्चे बहुत सारे वेबसाइट एक्सेस करते हों और आप चाहते हैं कि आप कुछ वेबसाइट को ब्लॉक कर दें और वो यूज ना कर सकें। होता है ऐसा, बहुत सारे पेरेंट चाहते हैं कि मेरे घर में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो यूज मेरे बच्चे ना करें, तो उसको हम ब्लॉक कर दें। तो ये कैसे ब्लॉक करेंगे हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, बहुत सारे वेबसाइट हैं जो कि आप नहीं चाहेंगे कि बच्चे देखें या घर पे कोई भी उसे यूज करें, तो उसको आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि उसको ब्लॉक कर दें तो बेटर होगा। तो कैसे ब्लॉक करेंगे आपको शायद पता ना हो, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे वेबसाइट को ब्लॉक करेंगे। अगर आप चाहते हैं फेसबुक ब्लॉक करना तो ईजी ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे तो कोई भी एडल्ट साइट ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब जो आप यूज नहीं करवाना चाहते अपने फैमिली को या अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट को, उसको आप इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से इसे ब्लॉक करेंगे। तो वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वेबसाइट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, फिर हम उस वेबसाइट को ब्लॉक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्राउजर में चलते हैं और ब्राउजर में आने के बाद हम फेसबुक यहाँ पर खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ फेसबुक ओपन हो पा रहा है, ओपन हो रहा है अभी। फिर से हम रिफ्रेश करते हैं और आप देखिए फेसबुक हमारा खुल रहा है। तो चलिए अब इसे हम मिनिमाइज करते हैं और हम इसको ब्लॉक करते हैं। तो इसको ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर में जाना होगा। ये विंडो 7, 8, 10 प्लस एक्सपी में भी ये काम करता है, विस्टा सब में ये काम करेगा जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम सी में आते हैं। सी में आने के बाद आपको विंडोज़ में आना पड़ेगा। विंडोज़ में आने के बाद आपको सिस्टम 32 में आना होगा। तो सिस्टम 32 ये रहा। उसके बाद सिस्टम 32 में आने के बाद आपको ड्राइवर्स में आना होगा। तो ये रहा ड्राइवर्स। ड्राइवर्स में आने के बाद ETC, और ETC में आने के बाद होस्ट फाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। चलिए हम होस्ट फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और इसको नोटपैड में खोल लेते हैं। नोटपैड में खोलने के बाद आपको ये जो कोड दिया गया है 127.0.0.1, इसको कॉपी करेंगे और इसको नीचे में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक स्पेस देके उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे जिस वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं www.facebook.com और इसको हम सेव करते हैं, सेव एज। उसके बाद हम डेस्कटॉप पर आते हैं और डेस्कटॉप पे आने के बाद, डेस्कटॉप पे नहीं आते हम, या डेस्कटॉप पे आते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर न्यू फोल्डर रहने देते हैं और इसमें हम इस होस्ट फाइल को सेव कर देते हैं। होस्ट फाइल सेव करने के बाद हम इसे बंद करके इसे मिनिमाइज कर देंगे और अभी न्यू फोल्डर में आते हैं। और न्यू फोल्डर में आने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करने के बाद रीनेम क्लिक करते हैं और TXT जो एक्सटेंशन है इसको हम डिलीट कर देते हैं और इंटर प्रेस करके यस कर देते हैं। अब इस होस्ट फाइल को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम ETC में आकर यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इसे रिप्लेस कर देंगे। तो अभी देख रहे हैं ये रिप्लेस हो चुका है। अब इसे हम बंद करते हैं और अब हम चलते हैं फेसबुक में और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप कि हम फेसबुक पर रिफ्रेश कर रहे हैं तो फेसबुक नहीं खुल रहा है। तो अभी हमने YouTube को भी अगर ब्लॉक करना है तो हम वैसे ही सिंपली अब इस पर हम राइट क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर .txt एक्सटेंशन देकर इंटरप्रेस करेंगे और फिर इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पर, आप पहले देख लें कि YouTube खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अभी आप देखें तो आपका YouTube यहाँ पर खुल रहा है, खुला YouTube। तो अब अगर YouTube को भी बंद करना है तो अब करना क्या होगा कि यहाँ पर इंटरप्रेस करना होगा और सेम कोड लिखना होगा 127.0.0.1 और स्पेस देके www.youtube.com, मतलब वेबसाइट का नाम यहाँ पर टाइप करना होगा और फिर उसके बाद आप फाइल में जाकर सेव कर देंगे। इसे बंद करने के बाद फिर इस पर राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे और TXT को, एक्सटेंशन को आप डिलीट कर देंगे और डिलीट करके इंटरप्रेस कर देंगे और फिर इसे कॉपी करके आप
सॉरी, फिर इसे कॉपी करके आप यहाँ पर ETC में आकर मीन्स सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स एंड ETC में आकर होस्ट में आप इसे पेस्ट करके रिप्लेस कर देंगे। अभी चलिए हम फिर से ये YouTube को रिफ्रेश करते हैं। तो YouTube का भी हम यहाँ पर लिंक दे दिए, लेकिन देखिए हम रिफ्रेश जब भी कर रहे हैं तो YouTube खुल रहा है। तो ये कब नहीं खुलेगा, आपको इसको क्लोज करना होगा ब्राउज़र, फिर ब्राउज़र को ओपन करना होगा, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद YouTube आपको खोलना पड़ेगा। देखिए नहीं खुल रहा है, मतलब अगर आपका वेबसाइट को ब्लॉक करने के बाद आपका वेबसाइट खुलता है तो आपको ब्राउज़र को रीस्टार्ट करना होगा। आपको ब्राउज़र रीस्टार्ट करेंगे तो फिर आपका वेबसाइट नहीं खुलेगा। तो देखिए हमने ब्लॉक किया और अब रिफ्रेश कर रहे हैं यूट्यूब को तो नहीं खुल रहा है, फेसबुक को रिफ्रेश कर रहे हैं फेसबुक भी नहीं खुल रहा है। तो इस तरह आप कोई भी वेबसाइट को ईजिली ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करके आप अपने घर के प्राइवेसी को बचा सकते हैं। अगर आपके बच्चे कुछ ऐसा वेबसाइट खोलते हैं जो आप चाहते हैं कि न खोलें, न ओपन करें, न एक्सेस करें उस वेबसाइट को, तो आप यहाँ से ईजिली ब्लॉक कर सकते हैं। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे ब्लॉक करते हैं। तो अगर आप अपने घर पे अपने फैमिली वालों को या अपने स्टूडेंट को नहीं एक्सेस देना चाहते हैं कुछ वेबसाइट को, तो आप उसे इजीली यहां से ब्लॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे होता ये है कि मुझे वीडियो बनाने की और मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर हाजिर होते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।